आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है मेथी मलाई मटर। देखिए ये हमारा पानी टमाटर और प्याज डाल के जो है उबल रहा है। अब इसको 10 मिनट हम उबलने देंगे ऐसे ही। अब हम देखिए टमाटर का छिलका निकाल रहे हैं। ये देखिए हमारा जो काजू है वो गल चुका है। अब हम जो है इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, इलायची और ये थोड़ा सा ज़ीरा। ये मैंने कसूरी मेथी ली है और कसूरी मेथी को हम इसमें भून लेंगे। ये नॉर्मल MDF की कसूरी मेथी है। आजकल तो वैसे भी मेथी का सीज़न नहीं है तो इससे भी वही टेस्ट आता है जो नॉर्मल कसूरी मेथी से टेस्ट आता है। भून करके इसको हम निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पालक, उसको भी हल्का सा भून लेंगे, सौते कर लेंगे। ये भी पालक भी सौते हो गई है, पालक को भी निकाल लें आप। अब मैं इसमें डालूंगा जो ग्रेवी मैंने बनाई थी वो। देखिए मैंने उसी तेल के अंदर वो ग्रेवी डाली है। अब मैं थोड़ा ग्रेवी को पकाऊंगा। कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसके अंदर जो है इसका कलर जो है वाइट नहीं आ रहा है, ऑरेंजिश कलर में आ रहा है। अगर हमने टमाटर डाला तो उसका कलर ऑरेंज कलर में आएगा ही आएगा। अब हम इसके अंदर जो है स्पाइसेस एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले नमक, ये इलायची का पाउडर है, थोड़ा सा इलायची का पाउडर। हमने इसमें स्पाइस कंटेंट कुछ भी नहीं डाला है तो मैं इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रहा हूँ। अब मैंने ये जो मटर है पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं, अब मैं इसमें मटर डालूँगा, थोड़ा सा वाइट पेपर। अब मैं इसमें डालूँगा दूध, ये इसके अंदर जाएगी पालक, और ये जो मेथी मैंने पहले इसमें भून के रखी थी ये अब वो जाएगी। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल आना चालू हो गया है। ये इसमें जाएगा बटर, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा M³ का तीसरा पार्ट, क्रीम। क्रीम नहीं है ये, घर की मलाई है। आप मैंने इसको फेंट लिया है अच्छे तरीके से दूध डाल के, तो घर की मलाई का ही यूज़ करें। ये सारी जाएगी इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर लास्ट में चीनी और हल्का सा इलायची पाउडर और डालूंगा। हमारा मटर मेथी मलाई रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये हमारा मटर मेथी मलाई रेडी है, क्रीम, ये रोगन। ये हमारा मेथी मलाई मटर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।